जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने शरह नमू 6% हासिल की जीडीपी ग्रोथ, और पिछले साल जो है 5.71% हासिल की थी। 2004-5 के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहला साल ऐसा था जिसमें जो है 2 साल मुसलसल इतनी ग्रोथ हासिल हुई, और ये वो 2 साल हैं पिछले 15 साल में जिसमें हमने इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ हासिल की। पिछले 15 साल में इंडिया की ग्रोथ हमेशा हमसे डबल होती थी। ये वाहिद पीटीआई का दौर था जिसमें ये हासिल हुई। अब जो बुरी खबर ये है कि आज वर्ल्ड बैंक ने 4% की बात कह दी है कि अगले साल शरह नमू होगा। एक तरफ जो है महंगाई की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है इस मुल्क में बहुत तेज़ी से मईशत तनजली की तरफ जा रही है। अभी मई के महीने में सिर्फ आप देख लें, एक महीने में 10% पाकिस्तान की बरामदात गिर चुकी हुई है। उसके साथ साथ जो महंगाई है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे महंगा तरीन साल ये होगा। 30% के करीब महंगाई पाकिस्तान में होगी जिससे एक आम आदमी की कमर टूट जाएगी। जैसे फारूक साहब ने भी अभी बात बताई कि बिजली की कीमत जो है वैसे तो 45% बढ़ी है, लेकिन एक 100 यूनिट जो सबसे कम, जो मतलब 1-2 बल्ब और 1-8 पंखा चलाता है, उसकी बिजली का बिल जो है 75% से बढ़ जाएगा। 1100 से 1900 रुपये उसका बिल हो जाएगा। 200 यूनिट वाले का 65% बढ़ जाएगा। ये तो बिजली की तरफ है। गैस उसके बाद 45% जो उसका इजाफा होगा, ख़ास तौर पे जो जब सर्दियों में गैस के बिल आएंगे, लोग अपने घर के जो है गैस के जिसे कहते हैं कनेक्शन और बिजली के कनेक्शन कटाने पे मजबूर हो जाएंगे। तीसरी बात ये जो हम पे बार बार करते हैं, ये आप सारों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं कि जी हमने लैंड माइन बारूदी सुरंग बिछा दी थी और हमने जो है पेट्रोल की कीमत जो है नहीं बढ़ाई थी। 15 अप्रैल जो एक हफ्ते बाद हमारी हुकूमत ख़त्म होने के बाद हर महीने की 15 तारीख और 30 तारीख को पेट्रोल की कीमत का तायुन होता है। 15 अप्रैल को जब वज़ीर ख़जाना के पास समरी आई, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म के पास, तो उस वक्त पेट्रोल की सब्सिडी 24 रुपये लीटर थी ओगरा की तरफ से, और इन्होंने 60 रुपये बढ़ाई है, यानी कि 36 रुपये की लैंड माइन किसकी थी। ये जो है कौम से झूठ बोलते रहे कि जी हम लैंड माइन बिछा के गए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। आप सारे जो है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ओगरा का नोटिस निकाल लें, 15 तारीख को सब्सिडी कितनी थी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि हमने IMF से मुआहदा किया। IMF से मुआहदा तो बहुत मतलब दूर की बात है। जून 2018 को मिफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़जाना था तो उसने 30 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी लगा चुका हुआ था। ये फाइनेंस बिल से पास कराई हुई है और ये कहते हैं IMF से हमने मुआहदा किया। जून 2018 में मिफ्ता इस्माइल ये लगा के जा चुका था। ये इमरान खान की हुकूमत थी जिसने पेट्रोलियम लेवी को भी सिफर किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सेल्स टैक्स को सिफर किया। मतलब इसकी कोई नज़ीर ही नहीं मिलती। और ये आवाम को रिलीफ देने के लिए सिर्फ सेल्स टैक्स कम करके, इसके बावजूद हमने टैक्स का हदफ इस साल 6,100 अरब रुपये हासिल किया, जो 1,400 अरब रुपये एक माली साल में सब ज़्यादा था पिछले साल से। उसका वजह से 700 अरब रुपये सूबों को गया। जो सूबे आगे ये जो अभी हमजा साहब जो हैं ये गंदम और ये जो अयाशियाँ फैला रहे हैं, वो भी उसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो बाद में हमारी सियासी लीडरशिप बताएगी। आखिरी में अब ये जो बजट आ रहा है, बजट में 58% सूद की अदायगी और डिफेंस का बजट होगा, और सिर्फ 4% बढ़ा रहे। सिर्फ अभी जब से ये हुकूमत आई है 4% शरह सूद बढ़ा है, जिसकी वजह से 800 अरब रुपए की सूद की अदायगी जो है पिछले साल से ज़्यादा होगी। यानी कि इन्होंने आवाम का गला काट के रख दिया है और ये बातें कर रहे हैं कि जी ये हुकूमत ने ये किया वो किया, ये कम्प्लीटली गलत बात कर रहे हैं और इनकी कोई माशी सिमत नहीं है। मुझे तो ख़तरा है ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी ये IMF से प्रोग्राम नहीं ला सकेंगे, क्योंकि इनका बजट ही बैलेंस नहीं है। और आवाम के लिए अभी तो बुरी खबरें आई नहीं है, जब ये बजट आएगा तो आवाम को नज़र आएगा कि उनके रोज़गार पे कैसा शबखून मारा जाएगा और मज़ीद कितनी महंगाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।